The academics, amrita I firmly believe that we should keep trying until we get it right. So today I am going to start with maths practice paper for 2023. I have been uh, willing to do it for a while but some reason, i to do quickly. So I have started from today with section A, question 1 to 5. Please go through them. Now let's start with grade 10, practice paper 2022-23. So I have taken the first question. I am reading out the question: the graph of a polynomial Px. passes through the points minus five comma zero zero minus forty eight zero and five minus thirty. Which among the following is a factor of p x? And we have been given the options. तो so, पहले क्या करते हैं ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर आ, एक बना लेते हैं क्या बनता है polynomial का graph वो बना लेते हैं Minus five comma zero मतलब ये आएगा एक इस साइड पे और एक्स uh, एक्सिस पे आएगा जीरो है मतलब इट्स ऑन ऑन द एक्स एक्सिस और माइनस uh, फाइव तो नेगेटिव साइड में एक्स एक्सिस का आएगा राइट सो so, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट उसके बाद है जीरो माइनस फोर्टी मतलब एक्स x x जो है वो ज़ीरो है और माइनस फोर्टी है तो कहाँ नीचे आएगा यहाँ पर ज़ीरो कमा माइनस फोर्टी नाउ इज एट कमा ज़ीरो एट कॉमा ज़ीरो मतलब अगेन ये एक्स एक्सेस पे ये पॉइंट है और पॉजिटिव साइड में है एक्स एक्सेस का सो एट कॉमा ज़ीरो यहाँ पर आएगा एंड देन फाइव कॉमा माइनस थर्टी सो यहाँ पर मान लीजिए फाइव यहाँ पर है और माइनस थर्टी तो माइनस फोर्टी के ऊपर ही होगा सो समवे हियर ओके बस अंदाज़ा फाइव माइनस थर्टी सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पोलोमियल कुछ ऐसा आ जाएगा वो इधर जिधर भी जाए सो so, फर्स्ट हमें यहाँ पर बताया गया है हमें फैक्टर डिटरमाइन करना है अभी फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वॉट इज़ अ फैक्टर फैक्टर वो पॉइंट्स uh, होते हैं एक्स एक्सेस में जहाँ पर ये पोलोमिया ज़ीरो हो जाता है पी एक्स विल बिकम ज़ीरो मतलब वाई ज़ीरो है वाई जो है पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो जहाँ पर होता है मतलब एक्स माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा दैट विल गिव गिवस ज़ीरो ओके सो ये ज़ीरो कहाँ पर होगा जहाँ पर आ, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्योंकि तभी तो ये वाई जीरो आ रहा है राइट right? सो so, ये जो दो एक्स एक्सिस के वैल्यूज़ हैं माइनस फाइव और एट यही हैं द फैक्टर्स ऑफ पी क्योंकि इन्हीं के लिए पी या फिर जो वाई कोर्डिनेट uh, है वो ज़ीरो होता है सो वॉट इट विल बी एक्स माइनस अल्फा एक है मतलब x माइनस क्या लेंगे हम अल्फा की जगह माइनस फाइव सो क्या हो गया यहाँ पर हो गया x माइनस माइनस प्लस फाइव राइट सो यहाँ पर a में x माइनस फाइव है एक्स माइनस एट है x प्लस थर्टी है एक्स प्लस फोर्टी है d में सो नन ऑफ दीज फुलफिल दिस x प्लस फाइव वाला ऑप्शन तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं x माइनस बीटा एक्स माइनस बीटा देखते हैं ये होगा एक्स ये वाला होगा माइनस एट तो ये वाला है क्या इधर हाँ है ऑप्शन बी सो क्वेश्चन नंबर आंसर वन का आंसर है बी एक्स माइनस एट ना लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इज से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एम एक्स प्लस फोर वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो एन वाई माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो For which all of of the following values of m and n, the the above equations have infinitely many solutions. और उसके बाद ए बी सी डी ऑप्शन हमें दिया गया है So, जब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के infinite, infinitely many solutions होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है एक लीनियर uh, इक्वेशन का ये लाइन रहा तो दूसरा भी उसी के ऊपर ही coincide कर रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज दट um, दिस uh, the, the, uh, two pair of equations will have infinitely many solutions. तो ठीक है पहले हम दोनों equations को लिख लेते हैं arrange कर लेते हैं mx plus 4y minus 6 equal to इक्वल दूसरा वाला में एन y एन y जो है y पहले लिखा गया है y coordinate, हम उसे पीछे ले जाते हैं यहाँ यहीं पर ही हम mistakes कर लेते हैं so we have to be very careful while writing minus 12x plus n y प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो ठीक है अब हमने इसको अरेंज कर लिया ऐसे फॉर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर अ पेयर ऑफ इक्वेशंस वी नो ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू इट शुड बी सेम राइट तो यहाँ पर ए वन बाई ए टू क्या होगा a1 ए वन बाई ए टू है एम बाई माइनस ट्वेल्व और b1 वन बाई बी क्या होगा ये है ये है ना a1 x एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो है a2 x एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू टू ज़ीरो तो यहाँ पर b1 इस हिसाब से y के हिसाब से फोर आ गया और b2 के हिसाब से n आ गया एंड c1 c2 क्या होगा यहाँ पर माइनस सिक्स है और नीचे C2, uh, C1 हो गया minus 6 और C2 हो गया 12. तो अब इससे सॉल्व कर लेंगे तो हमें आईजली m और n की वैल्यू मिल जाएगी. m इज इक्वल टू कितना होगा minus 6 by 12 into minus 12. तो ये हो गया 12 फंसा 12 यहाँ पर minus 1, minus 6 into minus 7 uh, minus 1 इज 7. सॉरी 6 minus 1 into minus 1 uh, minus 6 into minus 1 इज तो m कितना आ गया minus 6 into minus 1 six. ये हो गया m का वैल्यू नाउ विल मूव टू n's वैल्यू n का वैल्यू वैसे लिख लेते हैं फोर बाई एन ये वाला पार्ट लिख लेते हैं माइनस सिक्स बाई ट्वेल्व राइट और उसके बाद उसे सॉल्व कर लेते हैं n मैं इस साइड ले, ले लेती हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ये हो गया माइनस सिक्स एन फोर इंटू ट्वेल्व हो गया इधर इस साइड पे देफो एन इज इक्वल टू फोर इंटू ट्व डिवाइडेड बाई माइनस सिक्स सिक्स टू जा ट्वेल्व यहां पर माइनस साइन है सो इट विल बी माइनस फोर टू एट और माइनस साइन आ जाएगा आंसर में तो ये हो गया मेरा ऑप्शन सी सी ही मैच कर रहा है सी इज एम इक्वल टू सिक्स और एन इक्वल टू माइनस एट सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू सी ऑप्शन नाउ लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज सेंग अ टीचर आस्क थ्री स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट About the nature of the roots of a quadratic equation. So yahan par wo discriminant. Gaya hai. If Q square minus 4PR is greater than 0 for the roots of the quad then the roots of the quadratic equation Px square plus Qx plus R is equal to 0 will be. So the question is left by the teacher here. So he is asking what, what the roots will be for that kind of equation where the discriminant is greater than 0. Zane answers always positive. Whipple answers positive if the co numerical coefficients p, q, and r are positive. Suman answers negative if the numerical coefficients p, q, and r p, q, and r are negative. So, question is uh, that who answered correctly? A. Zane, B. Whipple C. Suman, D. None. So, in this kind of question.

So, Zayn answer is always positive. Now, this is a very vague answer because he has not given any conditions. So, we will keep this for later. Let's take Whipple's answer. Whipple answers positive if P, Q and R are positive. Okay. So, uh, so we know that uh, if the discriminant Q square minus 4PR is greater than 0, then the roots of that particular equation are real and distinct. Distinct means they are not. सेम तो इसको डिटर्मिनेंट क्यों कहा जाता है डिटर्मिनेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये रूट्स ऑफ नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बता रहा है बताता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है तो इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेट कर पाता है इसलिए इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट है सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ इट इज ग्रेट देन जीरो इफ इट इज इक्वल टू जीरो देन दे आर रियल एंड इक्वल बोथ द रूट्स विल बी द सेम इंटीजर एंड इफ इट्स लेस देन जीरो वी हैव नॉट स्टडी दैट टिल नाउ इट्स जस्ट वी वी नो दस्ट दैट इट्स गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स सो वी लीव इट देर वी विल नॉट गो इन टू डिटेल्स ऑफ वॉट विल है सो हियर आवर क्वेश्चन इज ग्रेटर दैन जीरो सो लेट्स फोकस ऑन डैट सो रूट्स क्या होते हैं इस इक्वेशन के एक एल्फा एक बीटा हम जनरली यही तो कंसिडर करते हैं एल्फा और बीटा सो यहाँ पर वी नो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस क्यू बाई पी ये हमने पढ़ा हुआ है अगर रूट्स को ऐड करते हैं देन देट विल बी नेगेटिव ऑफ क्यू p in a quadratic equation. So अगर uh, विपुल के आंसर को ले लें that uh, if q and p are uh, positive, okay? अगर वो positive होते हैं okay? Uh, मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है यहाँ पर अंदर क्यू एक कोई भी पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पर दूसरा एक पॉजिटिव नंबर है सॉरी पॉजिटिव नंबर है पी दूसरा पॉजिटिव नंबर है सो पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाई पॉजिटिव नंबर एंड देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड विच मीन्स दैट द फाइनल अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा एक नेगेटिव इंटीजर uh, आएगा राइट right? एक नेगेटिव कोई भी नेगेटिव इंटीजर आएगा अगर q एंड p पॉजिटिव हुए आई रिपीट तो जो भी उसके बाद ये नेगेटिव साइन मतलब जो भी आएगा कैंसिल आउट करके अगर कैंसिल आउट होना ही है कोई कॉमन फैक्टर्स हैं तो जो कुछ भी आएगा उसके बाद उसमें ये नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव साइन लग जाएगा सो इट विल बिकम नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कब होगा या तो अल्फा एंड बीटा कंडीशन वन अल्फा एंड बीटा आर बोथ नेगेटिव राइट जैसे कि माइनस वन और माइनस टू निकले सो उस केस में माइनस थ्री आएगा अल्फा प्लस बीटा सो फर्स्ट कंडीशन इज अल्फा एंड बीटा आर बोथ नेगेटिव और सेकेंड कंडीशन क्या होगा सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है वन ऑफ देम इज ग्रेटर आइदर वन ऑफ देम इज ग्रेटर अल्फा एंड बीटा में से कोई एक बड़ा है एंड वो नेगेटिव है राइट वन ऑफ देम हैज ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू ओके एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इट इज नेगेटिव तभी जो है फाइनली अल्फा प्लस बीटा हम करते हैं तो एक नेगेटिव इंटीजर आता है सो so, अगर हम ये कंडीशन ये देखें इसमें से कोई एक भी से, सही सही बैठता है तभी अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव बैठेगा तो विपुल आंसर करता है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी पॉजिटिव इफ पी क्यू एंड आर पॉजिटिव पर ऐसा नहीं है इफ़ पी क्यू पी क्यू आर आर पॉजिटिव क्यू एंड पी स्पेशली आर पॉजिटिव तो हमारा एक आंसर नेगेटिव इंटीजर आता है इट्स नेवर गोइंग टू बी पॉजिटिव विच मीन्स अल्फा एंड बीटा आर बोथ नेगेटिव और वन ऑफ देम इज नेगेटिव एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर सो ऑब्वियसली जैसे माइनस वो प्लस टू माइनस वो प्लस टू माइनस टू आएगा सो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा एक नेगेटिव इंटीजर आएगा मतलब विपल का आंसर भी गलत हुआ जेन का आंसर हमने देखा इट्स ऑलरेडी वेग ही हैज नॉट गिवन एनी कंडीशन फॉर दैट सो ला लेट्स मूव टू सुमन आंसर्स सुमन आंसर्स नेगेटिव इफ पी क्यू एंड आर आर नेगेटिव सो ये भी कंसिडर करके देखते हैं अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर माइनस क्यू बाई पी अगेन लिख लेते हैं हम लोग माइनस क्यू बाई पी अगेन लिख लें अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू बाई पी यहाँ पर ले लेते हैं क्यों uh, कोई भी नेगेटिव इंटीजर है और पी uh, भी कोई भी नेगेटिव इंटीजर है लेट इट बी वट एवर इट इज तो उसके बाद क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव और फाइनली एक नेगेटिव है तो अल्फा पर अल्फा प्लस बीटा विल बी अ नेगेटिव इंटीजर राइट सुमन के हिसाब से पी क्यू एंड आर शुड बी नेगेटिव तो हमने क्यू एंड पी नेगेटिव लेके देखा यहाँ पर नेगेटिव होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा एंड फाइनली बाहर एक नेगेटिव है तो ये क्या होगा ये नेगेटिव नेगेटिव मान लो ये कैंसिल आउट भी हो गया ये बाहर एक जो नेगेटिव है दैट विल एंश्योर दैट अल्फा प्लस बीटा इज अ नेगेटिव इंटीजर व्हिच अगेन मीन्स व्हाट आइदर अल्फा एंड बीटा आर बोथ नेगेटिव और वन ऑफ देम वन ऑफ देम हैज ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इट इज अ नेगेटिव इंटीजर तभी जाके अल्फा और बीटा हम ऐड करेंगे तो एक नेगेटिव इंटीजर आएगा सो दिस इज अबाउट अल्फा एंड बीटा सो सुमन का आंसर जो है सही है सुमन आंसर नेगेटिव इफ पी क्यू एंड आर आर नेगेटिव सो इस हिसाब से हमने इसको आ, ये जो यहां पर हमने अभी एनालाइज किया उस हिसाब से सुमन का आंसर सही बैठता है सो आंसर विल बी सी सुमन राइट आंसर विल बी सी सुमन शी सेट दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी नेगेटिव इफ पी क्यू एंड आर आर नेगेटिव वेन डिस्क्रिमिनेट इज ग्रेटर देन जीरो means that they are real and distinct so ye ho gaya. question number three answer is suman okay so we move to question number four let's start with uh, question number four question number four says two concentric circles are centered at O minus 4 comma 3 the ratio of the area of inner circle to that of outer circle is 1 is to 9 ye inner circle hai or outer circle both their areas are in the ratio 1 is to 9 पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द बाउंड्रीज ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल्स रेस्पेक्टिवली एज शोन बिलो सो ए और बी बी का हमें कोऑर्डिनेट्स हमें दे दे, दिया गया है थ्री कमा फाइव ओ का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है माइनस फोर कमा थ्री और एरिया का रेशियो बता दिया गया है सो वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इसे देखें तो ये ओ और बी का हमें Uh, मिल गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है कोऑर्डिनेट्स और एक आप पूछ रहा है ए बीच में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा सो फॉर दैट वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट ओ ए इज टू ए बी रेशियो सो हाउ टू फाइंड दैट लेट्स सी दैट वी नो दैट हमें मिल गिवन है गिवन से ही आंसर निकलेगा जस्ट गिवन को हम अगर ट्रैक uh, करते चले चले चलेंगे तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा एरिया ऑफ इनर सर्कल बाई एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज वन बाई नाइन यही तो रेशियो है सो कैन आई राइट लाइक दिस पाए उसका रेडियस क्या है इनर सर्कल का ओ ए सो आई राइट पाए ओ ए स्क्वायर बाय पाए रेडियस क्या है आउटर सर्कल का ओ बी स्क्वायर इक्वल टू वन बाय नाइन हो गया नाउ ये पाए पाए जो है कॉमन है सो so कैंसिल हो गया नाउ व्हाट डू वी हैव ओ ए स्क्वायर बाय ओ बी स्क्वायर इक्वल टू वन बाई नाइन यही बचा है ना इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ओ ए बाई ओ बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज ओ ए इज़ ऑल्सो स्क्वायड ओ ब इज ऑल्सो स्क्वायर दैट मीन्स ओ ए बाई ओ बी जो भी वैल्यू है दैट इज स्क्वायर राइट ओ ए इंटू ओ ओ है बाई ओ बी इंटू ओ बी है दैट मीन्स दैट ओ ए बाई ओ बी अगर मैं निकालूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ तो वैल्यू दोनों के सेम ही होंगे ऐसे करूँ चाहे ऐसे करूँ वैल्यू सेम ही निकलेगा सो आई एम राइटिंग इट लाइक दिस और वन बाई नाइन एक्चुअली क्या है इट्स वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ वन बाई थ्री स्क्वायर राइट तो उससे क्या होगा आई गॉट द रेशियो ऑफ ओ ए बाई ओ बी ये मिल गया हमें वन बाई थ्री ये इतना तक हम पहुँच गए बट डू वी नीड ओ ए बाई ओ बी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वी नीड ओ एज़ टू ए बी ओ एज टू ए बी तो भी तो ही हम सेक्शन फॉर्मूला इसमें डाल सकते हैं ओके लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी ए एक्स कॉमा ए वाई ये हम ले लेते हैं इसकी के वैल्यूज हम निकालेंगे एंड देन यहाँ पर uh, जो ऑप्शनस में हम उसे मैच करेंगे सो so, यहाँ पर ओ ए बाई ओ बी हो गया वन बाई थ्री वन बाई थ्री मुझे ए बी का वैल्यू चाहिए सो ओ बी एक्चुअली क्या है ओ बी इज द आउटर रेडियस विच विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी सो कैन आई राइट इट हियर लाइक दिस इट इट इम्प्लाइज दैट ओ ए ओ ए तो ओ ए है ओ बी इज एक्चुअली ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू वन बाई थ्री ना एफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई देन यहाँ पर क्या आ जाएगा थ्री ओ ए और यहाँ पर ये ओ ए प्लस ओ बी मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के साथ ये हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी राइट ना ओ मैं क्या करती हूँ यहाँ पर ये यह, ये इस साइड को ले जाती हूँ थ्री ओ ए माइनस ओ ए हो जाएगा इस साइड में राइट हैंड साइड में सिर्फ ए बी बच जाएगा आफ्टर दैट ये क्या होगा थ्री ओ ए माइनस ओ ए टू ओ ए हो जाएगा टू ओ इक्वल टू ए बी नाउ हमें इससे रेशियो मिल गया ओ ए को इस साइड ले, ले जाती हूँ नीचे ओ बी और टू को उस साइड ले जाती हूँ ये नीचे आ जाएगा वन बाई टू सॉरी ए बी ए बी सो ओ ए बाई ए बी का रेशियो मिल गया इट्स वन वन बाई टू वन इज टू टू अगर हमें रेशियो ओ ए इज टू ए बी वन इज टू टू मिल गया देन कैन वी पुट द सिंपल सेक्शन फार्मूला टू फाइंड आउट ए एक्स एंड ए वाई कॉर्डिनेट्स ये वी कैन सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट ए एक्स कॉर्डिनेट ए एक्स के लिए गिवन है हमें बी का और ओ का दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सो माइनस फोर होगा माइनस फोर इंटू टू प्लस थ्री इंटू वन दिस इज वॉट बाई टू प्लस वन दिस इज वाट द सेक्शन फार्मूला इज एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू या फिर मैं लिख देती हूँ एम एक्स ओ एन एक्स बी बाई एम प्लस एन यही है फॉर्मूला सो so, एम क्या है मेरा इधर एम है टू टू लिख देती हूँ टू शुड बी मल्टीप्लाइड विद एक्सो एक्सो इज माइनस फोर प्लस यहाँ पर वन इन टू एक्स बी एक्स बी है थ्री बी का कोऑर्डिनेट है थ्री एक्स कॉर्डिनेट एम प्लस एन हो गया वन प्लस टू सो नाउ आई गेट माइनस एट प्लस थ्री बाय थ्री माइनस एट प्लस थ्री है माइनस फाइव बाय थ्री राइट सो दिस इज द वैल्यू फॉर ए एक्स लेट्स मूव टू कैलकुलेट ए वाई वैल्यू ए वाई वैल्यू इस वैसे ही निकलेगा एम एक्स सॉरी नॉट एक्स वाई वाई ओ प्लस एन वाई बी बाई एम प्लस एन तो एम क्या है टू वाई ओ क्या है वाई ओ है थ्री राइट right? यहाँ पर थ्री टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री प्लस एन एन क्या है वन वन मल्टीप्लाइड बाई फाइव एंड अगेन वी डिवाइड बाई वन प्लस टू राइट सो दिस बिकम्स सिक्स प्लस सॉरी ये मल्टीप्लाइड है ये मल्टीप्लाइड है ये मल्टीप्लाइड है बीच में प्लस साइन सो इट बिकम्स सिक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री इट बिकम्स इलेवन बाई थ्री ओके सो so, हमारे ए एक्स और ए वाई कोऑर्डिनेट्स ए के निकल गए माइनस फाइव बाई थ्री कॉमा इलेवन बाई थ्री ना लेट्स चेक इफ वी हैव गॉट एनी ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वही uh, सही बैठता है ए के कोऑर्डिनेट के लिए सो द आंसर इज बी ऑप्शन लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इज संग सोनाली इज स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ अ सेवन मीटर वाइट रोड एज एश ओन बिलोज स्टैंडिंग ऑन वन साइड लाइक हियर एंड शी वांट्स टू एस्टिमेट द डिस्टेंस डी बिटवीन टू लाइट पोल्स ऑन द अदर साइड सो टू लाइट पोल्स हैं पोल वन एंड पोल टू उन दोनों का डिस्टेंस जो डी है शी वॉन्ट्स टू एस्टिमेट दैट बट विदाउट क्रॉसिंग द रोड शी वांट्स टू स्टैंड ह्यर एंड देन एस्टिमेट द डिस्टेंस डी इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर पी क्या है पी है जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सोनाली फ्राम द फ्राम हर साइड ऑफ द रोड वो है पी और आर क्या है ये पॉइंट और ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो आर है सो डी को इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर एक्सप्रेस करके हमें इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है वो देखना है सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी इजी इट्स नॉट डिफिकल्ट हम थोड़ा इस uh, ये पॉइंट्स uh, को एक एक लेटर uh, से रिप्रेजेंट करते हैं ए कर देते हैं इसको इस पॉइंट को मान लो मैं बी करती हूँ सी करती हूँ इसको इसको ई e कर देती हूँ जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन विद दिस डी आई एम राइटिंग यर ई इंस्टेड ऑफ डी ई और इसको मैं कर देती हूँ एफ ओके तो मेरे Uh, ये छोटा वाला ट्रेंगल और ये बड़ा वाला ट्रैंगल आई नेम देम ट्राएंगल ए बी सी ए और दूसरा है ट्रैंगल ए ई e, एफ बड़ा वाला ट्रैंगल है ए ई एफ तो इफ़ आई प्रूव दैट दे आर सिमिलर उसके बाद में जो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं उस हिसाब से आई कैन फाइंड डी विद इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर कैसे लेट्स सी हाउ दिस इज प्रोपोर्शनल दिस सॉरी दिस टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर एक तो ए इज़ कॉमन

एंगल बी ये छो ये वाला एंगल और एंगल ई e, बड़ा वाला जो ट्राएंगल का एंगल है वो था नाइन्टी डिग्री सो इस हिसाब से भी अकॉर्डिंग टू ए ए सिमिलरिटी एंगल एंगल सिमिलरिटी हम ये प्रूव कर सकते हैं नाउ दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राएंगल एफ येस और नो नाउ वी कैन यूजिंग दिस यूजिंग दिस सिमिलैरिटी

EF. अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं पहले ए -E कितना ए -E कितना होगा ये है P और uh, हमें दिया गया है डिस्टेंस ऑफ द रोड इज सेवन मीटर दिख रहा है डिस्टेंस ऑफ द रोड इज सेवन मीटर एंड ये ए बी है P तो ए -E कितना हुआ P प्लस सेवन राइट ए ए विल बी पी प्लस सेवन नाउ सो लेट्स पुट दिस फॉर्मूला पुट दिस वैल्यू इज ए बी क्या होगा ए बी ऑलरेडी दिया गया है पी है और ए हमें पता है सोनाली टू ई ई पॉइंट जो है सोनाली टू ई पॉइंट कितना होगा पी प्लस सेवन तो पी प्लस सेवन लिख लेते हैं एंड फिर बी सी बी सी कितना है आर और ई एफ ई एफ कितना है डी ये ये तो हमें वैल्यूज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है सो नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई राइट वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई डी पी आ जाएगा एक साइड पे और आर इन टू पी प्लस सेवन दूसरे साइड में आ जाएगा ना D डी क्या है डी इज द डी को हमें रिप्रेजेंट करना है आर और पी के फॉर्म uh, में पी के रेशियो में सो मैं पी को इस साइड को ले जाऊंगी अगर मैं पी मल्टीप्लाइड है इस साइड को ले लूँगी तो ये डिवाइड हो जाएगा राइट सो डी इक्वल टू हमारा ये आ गया डी इक्वल टू आर पी प्लस सेवन बाई पी मीटर्स ओके ऑल दिज वैल्यूज है डील्ड आर पी प्लस सेवन बाई आर पी प्लस सेवन बाई पी आ गया सो अकॉर्डिंग टू ऑल दिज ऑप्शन डी ही हमारा फिट बैठता है सो डी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन एंड यू वॉन्ट टू वॉच मोर सच वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल श्रद्धि अकेडमिक्स